नमस्कार दोस्तों, वरेनियम आयुर्वेद में आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर पूनम। हेल्थ टिप्स लेके आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों को कोरोना से संबंधित, कोविड से संबंधित जानकारी दूंगी। कोविड जो है लगातार बढ़ती जा रही है, इसकी समस्या केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहा गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बीमार हो उससे पहले ही अपने शरीर को इतना मजबूत कर लें कि कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आपके ऊपर अटैक ही ना कर पाए। तो इसलिए आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर, आपकी इम्यूनिटी पर काम करना होगा। आयुर्वेद और योग से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे जड़ी बूटियाँ, ऐसे आसपास के कॉमन पौधे और घरेलू जो मसाले हैं जो हमारी रसोई में उपलब्ध हैं उनकी जानकारी दूंगी, जिससे कि हम कोविड जैसी महामारी से बच सकते हैं। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त, मित्र, प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके और वो भी अपना बचाव कर सके। तो सबसे पहले जो हमारी औषधि है वो है गिलोय। गिलोय बेल के रूप में उगती है, बहुत जल्दी ग्रो करती है। बारिश में तो 15 दिन में ही ये छत पे चली जाती है। तो अगर हम गिलोय का लगातार प्रयोग करते हैं तो हम कोविड जैसी महामारी से छुटकारा पा सकते हैं। गिलोय को आयुर्वेद में गुरुची भी बोलते हैं, अमृता भी कहते हैं, रसायना भी बोलते हैं। रसायन है, टोनिक है, ये हेल्थ टोनिक बोला गया है। अभी तक तो सिर्फ बुखार, डेंगू के लिए गिलोय का प्रयोग किया जा रहा था, पर दोस्तों गिलोय के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने की जो हमारी टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा होती है। गिलोय का चूर्ण भी हम ले सकते हैं, सूखी गिलोय का चूर्ण मार्केट में उपलब्ध है, पंसारी से ला के पीस के ले सकते हैं जिनको ताज़ी नहीं मिल पा रही। गिलोय की कैप्सूल्स उपलब्ध हैं, पर अगर ताजी मिल जाए उस जैसी तो बात ही नहीं। ताजी गिलोय का भी लोग दो तरह से प्रयोग करते हैं। रात को भिगो देते हैं, एक 5-6 सेंटीमीटर टुकड़ा काट कर गिलोय का, रात को उसको भिगो देते हैं, सुबह उबाल कर छान कर पानी लेते हैं। दूसरा तरीका करते हैं कि रात को भिगो देते हैं, सुबह ब्लेंडर से उसको क्रश कर लेते हैं, फिर छान कर उस पानी को लेते हैं। दोस्तों जो दूसरा है, ब्लेंडर से छान कर के पिया हुआ गिलोय का पानी, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ज़्यादा उसमें केमिकल्स जो होते हैं, ज़्यादा हमारे जो इम्यूनिटी बूस्टर तत्व होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि गिलोय में बहुत सारे उड़नशील तत्व होते हैं। अगर हम गिलोय को उबालते हैं तो जो उड़नशील तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं, जिससे कि हमें जो पूरे कंटेंट्स है वो नहीं मिल पाते। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है, ताजी गिलोय लो, उसको रात को पानी में भिगो दो, सुबह ग्राइंडर से उसको क्रश करके फिर हम अगर उसका प्रयोग करते हैं तो वो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा जो इसमें आता है हमारा आंवला। आंवला बहुत वंडर ड्रग है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। 20 संतरों में जितना विटामिन सी होता है उतना एक आंवले में होता है। अगर हम आंवले का प्रतिदिन प्रयोग करें, बच्चों को भी प्रयोग कराएं, बूढ़ों को भी प्रयोग कराएं, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। च्यवनप्राश के ऊपर सरकार का भी जोर दिया जा रहा है कोविड से लड़ने के लिए। च्यवनप्राश में भी विटामिन सी का सोर्स आंवला बहुतायत में मिलता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए च्यवनप्राश का भी यूज करने पे जोर दिया जा रहा है। ताज़ा आंवला तो इस समय सीजन नहीं है, इसलिए मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पा रहा, क्योंकि वह तो सितंबर अक्टूबर से लेके मार्च तक ही उपलब्ध हो पाता है। इस समय हम आंवले का चूर्ण ले सकते हैं, आधा चम्मच सुबह शाम पानी के साथ, या फिर आंवले का मुरब्बा यूज कर सकते हैं। बच्चे भी खुश होकर खाते हैं, अच्छे से धोकर उसको, ताकि शुगर कंटेंट निकल जाए, चीनी जो होती है बहुत आयत में होती है वो निकल जाए मुरब्बे से, और फिर हम उसका प्रयोग करें तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तीसरी जो वंडर ड्रग है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है इंडियन जेंसिंग भी बोलते हैं इसे, बहुत अच्छी वंडर ड्रग है। कोविड के लिए इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं। तो इसका अगर हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, हम स्ट्रांग बनते हैं, हमारी बैक्टीरिया वायरसेस से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। ना सिर्फ मोटे को
पतले को मोटा करने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं, हम अपने इसका जो है इम्यूनिटी बढ़ाने में यूज कर सकते हैं। अश्वगंधा की जड़ का प्रयोग किया जाता है, इसकी जड़ का चूर्ण बना के पंसारी से बना बनाया चूर्ण भी मिल जाता है, वो हम प्रयोग करें। अश्वगंधा चूर्ण 1 ग्राम की 3 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन अगर हम इसका प्रयोग करते हैं दूध के साथ, तो ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। चौथी जो वंडर ड्रग है हमारी, वो है मुलेठी। मुलेठी सिर्फ गले के लिए ही नहीं अच्छी, ये है हमारे हमें रोगों से बचाने के लिए भी बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, बहुत अच्छी वरण रोपक कही गई है मुलेठी। कहीं भी जख्म हो जाता है, नहीं भरता, शहद में मिला के मुलेठी का लेप कर दिया जाए, बहुत जल्दी वरण भरता है। तो मुलेठी का प्रयोग इम्यूनिटी के लिए, गले की खराश हो जाती है कोविड के पेशेंट्स में, सिम्टम आते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा है। मुलेठी का हम ज़्यादा प्रयोग करें तो भी हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है। पांचवी जो है तुलसी। तुलसी का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तुलसी के पत्ते प्रतिदिन हम प्रयोग कर सकते हैं, ताजी ना मिले तो डंठल या सूखे हुए पत्ते हम प्रयोग कर सकते हैं। आजकल हर्बल टी बना रहे हैं, उसमें तुलसी, दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च, ये 4 कंटेंट से हम हर्बल टी बनाते हैं। अगली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनानी है वो हर्बल टी। अगर हम उसका प्रतिदिन प्रयोग करेंगे तो वो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा योगा का बहुत अच्छा रोल है, इसमें फेफड़ों के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है कोविड में, तो फेफड़ों के लिए अनुलोम विलोम, कपालभाती, भस्त्रिका, इनका अगर हम ज़्यादा प्रयोग करें और सही खान पान की आदतें हो, सही दिनचर्या हो, नियमित रूप से जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना, गलत आहार विहार का अगर हम प्रयोग ना करें तो हम अपने शरीर को मजबूत बनाएंगे, तो किसी भी प्रकार का कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारे पास नहीं आएगा और हम हर प्रकार की महामारी से लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें डरना नहीं है, डटकर कोविड का सामना करना है, और जो भी प्रिवेंशंस हैं अगर हम उसका ध्यान रखेंगे तो अगर हमें भगवान ना करे कुछ हो भी, तो भी हमारा शरीर इतना मजबूत हो जाएगा कि हम हर प्रकार के बैक्टीरिया वायरस को हरा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और हम कोविड जैसी महामारी